हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन बहू। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज की रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा। और इसकी रेसिपी को अच्छे से सीखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर जो है वो लस्सी ली है। मैंने पैकेट वाली लस्सी यूज़ की है, वेर का ब्रांड की। और 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लेना है। और इसमें हमने क्या करना है, लस्सी में मैंने इस तरह के सर्विस स्पून 3 भर के डालने हैं। आपने इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना, क्योंकि फिर कढ़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। तो जितना मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी, आपने सिर्फ उतना ही डालना है। तो सेम आपकी कढ़ी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। फिर हमने कोई भी बीटर लेके लस्सी और बेसन को अच्छे से फेंट लेना है। मेरे पास ये वाली, इसको हम पंजाबी में मदानी बोलते हैं, तो इसी से मैंने अच्छे से बीट कर लिया। आप कोई भी यूज़ कर लेना। गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है। और फिर से वही बात कि जब आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हो जो कि बॉईल करेगी और ऊपर तक आएगी, तो आप जो कढ़ाई लेते हो, कोई बर्तन लेते हो, तो वो थोड़ा बड़े साइज़ का लेना, ताकि आपकी जो कढ़ी है वो बॉईल होके बाहर ना निकल जाए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया था। और सूखे मसालों में मैंने इसमें मेथी दाना डाला है 1 चम्मच और थोड़ा सा जीरा डाला है। कड़ी पत्ता भी डाल दिया इसमें, फ्रेश कड़ी पत्ता है मेरे पास, तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था 1 चम्मच, वो भी इसी में डाल दिया। साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी, आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और अब क्या करना है, हमने इसको सिम गैस पे, मीन्स बहुत ही लो फ्लेम पे, इन सारे मसालों को जो कि हमने डाले हैं उनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि ये जो है ऑयल में इनका फ्लेवर अच्छे से चला जाए और इनकी जो वो होती है ना रो स्मेल, वो भी निकल जाए। और अभी से ही बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और जो हमने बैटर बनाया था अपना कढ़ी का, वो सारा हम इसमें डाल देंगे, जो भी हमने लस्सी में बेसन डाल के बनाया था, अच्छे से बीट करके रख लिया था, वो मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया और मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि इसमें हमने पानी डालेंगे और इसको कढ़ते रहने देंगे। कढ़ी का नाम ही इसीलिए पड़ा है कि ये कढ़ती रहेगी और फिर ही बन के रेडी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसमें 3 गिलास पानी डालना है। 3 गिलास पानी डालोगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो, ये जब कढ़ के रेडी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बन के रेडी होएगी। तो आप लोगों ने इसमें 3 गिलास पानी जो है वो भर के डाल देने हैं। और फिर इसको हाई फ्लेम पर हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद एक अच्छा सा बॉयल आएगा। फिर थोड़ा आपने उसको गैस को जो है वो सिम कर देना है। और इसको बनने में 1/2-1.5 घंटा जो है वो टाइम जाता है। और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी तैयार होने लग गई है। 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह आपने इसको ओपन छोड़ देना है, ऊपर से कवर नहीं करना, क्योंकि कवर करोगे तो बॉयल होएगी और कढ़ी सारी आपकी बाहर निकल जाएगी। कवर मत करना, अगर करना है तो 1/2 कवर करना और आधी जगह छोड़ देना, ताकि जो स्टीम बन रही है वो सारी जो है वो बाहर निकल जाए और कढ़ी बॉयल होके बाहर ना गिरे, अंदर ही अच्छे से कढ़ती रहेगी वो। और ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है मेरी कढ़ी में। इसको बनने में आपको मैंने टाइम लिमिट बता दी है कि इतना लगेगा, तो बस आप इसको गैस पर रख के छोड़ दो, अपने आप बनती रहेगी। तो चलिए गाइस, अब 1/2 घंटा और हो चुका है और हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। जितना भी हमने ऑयल डाला था वो सारा इसके ऊपर आ गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है, बहुत अच्छी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने छोटी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल यूज़ किया है। उसमें ज़रा सी हींग डाल दी है और साथ ही हम इसमें सूखी मिर्चें, लाल 2-3 जितना भी आपको अच्छा लगता है उतना डाल लो, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा अगर आप ऊपर से डालोगे इसको। और फ्लेवर तो वैसे ही बहुत अच्छा आता है इस तड़के का। तो तड़के को थोड़ा सा बस हमने फ्राई कर लेना है। ये जो हमारी मिर्च है ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी और बस हमारा तड़का बन के रेडी हो चुका है।
अब हम इसको अपनी जो रेडी हो चुकी थी कढ़ी उसको ऊपर से इसमें डाल देंगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारी कढ़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें डालने के लिए पकोड़े। तो आधा कटोरी मैंने बेसन लिया है, इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे, जितना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कढ़ी में भी नमक है उतना ही डालना, आधा चम्मच बहुत है। और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ आपका आधा कप पानी जाएगा और उतनी ही कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, एकदम से सारा मत डाल देना। और इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमने इसकी ये जो लम्स से बन जाते हैं, इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाए। बैटर बन गया था अच्छे से स्मूथ और मैंने इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो क्या ऑप्शन है, आप 10 मिनट तक इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घुमाते रहिए बैटर को। अदरवाइज़ अगर आप उसी टाइम पकोड़े फ्राई करना चाहते हो तो थोड़ा सा मीठा सोडा, कह देते हैं इसको बेकिंग सोडा, वो हम डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, हम बैटर को रेस्ट होने देंगे। तब तक हम ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि जब हम इसमें पकोड़े फ्राई करें तो वो एकदम से जो है वो जल ना जाए। और जो पकोड़े हम फ्राई करेंगे उसको भी हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि हमें क्रिस्पी खाने के लिए पकोड़े नहीं चाहिए, हमने कढ़ी में डालने हैं तो हमें सॉफ्ट पकोड़े बनाने हैं, तो उसके लिए मीडियम फ्लेम पे ही सारा काम करेंगे। और बैटर को रखे हुए अभी 10 मिनट हो चुके हैं। और बैटर को चेक करने का भी मैं आपको मेथड बताती हूँ, आपने कैसे चेक करना है कि बैटर जो है वो बन के रेडी हो चुका है और अब ये पकोड़े जो हैं वो स्पॉन्जी कैसे बनेंगे। तो उसकी ट्रिक ये है कि आपने थोड़ा सा पानी लेना है कटोरी में और उसमें ये बैटर डाल के देख लेना है। अगर आपका बैटर ऊपर ही रहेगा दैट मीन्स आपका जो बैटर है वो रेडी है। अगर आपका बैटर नीचे चला जाता है पानी में तो दैट मीन्स कि अभी उसको टाइम लगेगा। आप या तो अच्छे से उसको घुमा लो, बीट कर लो और उसको, या फिर थोड़ी देर और रेस्ट करने दो। तो हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है, ऑयल भी गर्म है। तो चलिए अब हम ऑयल को भी चेक कर लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और इस तरह से हमारे पकोड़े जो हैं उसी टाइम डालते ही स्पॉन्जी बन के तैयार हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो भी रेडी है और बैटर भी। तो अब बस करना क्या है, इसमें हम स्पून से, मैं स्पून से ही डालूंगी, आप लोग चाहे हाथ से डाल लो। तो इस तरह से मैंने स्पून से इसमें एक एक करके जो है थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दिया है। और जैसे ही मैं बैटर डाल रही हूँ आप लोग देख रहे हो कि ये अपने आप ही ऊपर ऑयल पे आ रहे हैं और बहुत अच्छे स्पॉन्जी बन के रेडी हो रहे हैं। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं, दोनों साइड अच्छे से फ्राई होनी चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना नहीं तो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गए हैं, इसको ऑलमोस्ट 5 to 6 minutes लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बैटर हमारा बहुत अच्छा रेडी था। तो बहुत अच्छे से पकोड़े बन के भी रेडी हो गए हैं और इसको मैंने बाहर निकाल लिया टिश्यू पेपर पे, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मेरे सारे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे स्पॉन्जी बने हैं और अंदर से पूरी तरह से पक गए हैं कि नहीं। तो एक को मैं ज़रा सा प्रेस करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। तो इसको मैं दिखा रही हूँ, देखो कितना अच्छा स्पॉन्जी बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब हमारे पकोड़े भी रेडी हैं और कढ़ी तो हमारी बिल्कुल रेडी थी। तो हम इन पकोड़ों को कढ़ी में 1 by 1 करके डाल देते हैं। तो लीजिए हमारी तैयार है कढ़ी पकोड़ा, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में इससे भी ज़्यादा डबल टेस्ट है। और आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक आप लोग रखिए अपना खूब सारा ध्यान और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।